नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लवलेश और आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल यूनिक फंटूश में। तो आज आपको दिखाने वाला हूं मैं उस्ताद राहत फतेह अली खान साहब की फाइट इंडियन आइडल के पवनदीप राजन के साथ में। दोनों में से कौन ज्यादा ऊंचा सुर लगाता है, कौन ज्यादा तबाही सुर लगाता है, ये दिखाने वाला हूं। तो पहले मैं राहत साहब की परफॉर्मेंस दिखाऊंगा, उसके बाद में पवनदीप राजन की। बहुत ही ज्यादा प्यारी वीडियो बनाई है मैंने, वीडियो पूरी देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सुनियो रे नैण ठग लेंगे, ओ नैण ठग लेंगे, ठग लेंगे नैण, ठग लेंगे नैणों की मत मानियो रे, नैना ठग लेंगे। भाई हारमोनियम के पार निकल जाते हैं राहत साहब। ये तो भी राहत साहब की परफॉर्मेंस, अब दिखाता हूँ आपको पवनदीप राजन की परफॉर्मेंस। क्या बात है यार, इतनी मखमली आवाज होने के बावजूद भी इतने ऊंचे सुर लगा गए पवनदीप कि बिल्कुल मजा आ गया। चलिए बात कर लेते हैं दोनों की, कंपेयर की कि दोनों में से किसके सुर ज्यादा ऊंचे लगे और किसकी आवाज में ज्यादा फीलिंग है। तो भाई राहत साहब बॉलीवुड के बहुत ही पुराने सिंगर है, बहुत ही ज्यादा उनके पास रियाज है और उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब से संगीत सीखे हुए हैं। लेकिन भाई पवनदीप राजन मात्र 25-26 साल के हैं और रियाज तजुर्बा उनके पास बहुत कम है राहत साहब की अपेक्षा, फिर भी इतने प्यारे सुर लगा जाते हैं। तो मुझे यहाँ पर पवनदीप सबसे बेस्ट लगते हैं। आपको दोनों में से कौन सा सिंगर ज्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, घंटी बजा के जाइएगा।